और की हाल है मित्रों, बड़े दिनों के बाद मैं YouTube पे एक वीडियो डालूँगा। 2 किलो पीनट बटर बनाएंगे, हर एक पैकेट हाफ केजी का है और ये जियो मार्ट से मंगवाए थे। 300 रुपीज़ इसकी कॉस्ट पड़ी है और घर का ही पीनट बटर बनाएंगे और अब आगे चलते हैं पीनट बटर बनाने। ये आप देख सकते हैं 4 पैकेट की मूंगफली, एक तो पूरी थाल भर चुकी है और अब इसके अंदर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। आप देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी हो चुकी है और इसका खाली रैपर डस्टबिन में जाएगा। और अब मैंने इसको गर्म करने के लिए कढ़ाई में डाला हुआ था पहले ही, बस इसको मैंने गैस पे आकर रख दिया है, गैस ऑन कर दिया फुल ऑन फ्लेम पे। मैं थोड़ा थोड़ा ही करूँगा, मतलब डालूँगा इसके अंदर और 2 kg पीनट बटर को तैयार करने में कितने घंटे लगेंगे वो भी बता दूंगा मैं। देख सकते हैं ये है रॉ पीनट्स और ये है रोस्टेड पीनट्स, इनकी शक्ल देख सकते हैं दोनों की चेंज है। इसके बाद ही हम मिक्स अप करने जाएंगे, ग्राइंड करेंगे इसे एंड मैं चलूँगा ग्राइंड की ओर। यहाँ पे मिक्सर का जार फुल कर दिया है, फुल तो नहीं हाफ कर दिया, फुल करूँगा तो आप समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, हाफ कर दिया। अभी इसको ग्राइंड करूँगा मैं, तो मैं इसको फर्स्ट पे चलाऊंगा थोड़ी देर, आवाज नहीं आएगी मेरी। आपको यही प्रोसेस 2-3 बार करना है। देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा थोड़ा पाउडर बन चुका है पर और अभी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हमने बंद कर दिया है, ये तो मेरी पहली शिफ्ट है, ऐसे अभी 4 शिफ्ट लगेंगे। करिए अब सरसों का तेल डाल रहा हूँ थोड़ा सा। देख सकते हो आप पीनट बटर बन चुका है, थोड़ा टाइट बनाया अभी मैंने क्योंकि इसको मैं अभी थोड़ी देर और करूँगा मिक्स सब, उसके बाद मैं इसका दिखाऊंगा। वैसे बाहर वालों से बहुत अच्छा ही बना है क्योंकि मैंने 3-4 बनाए, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया बनाने का, तो आप देख सकते हैं एंड बहुत इजीली खाया भी जाता है क्योंकि बाहर वाले हम खा नहीं सकते, बाहर के इंग्रेडिएंट मिले होते हैं। मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है और मैं एक टाइम पे 100 ग्राम से ज़्यादा ही खा लेता हूँ, मैक्स 4-5 सैंडविच बना के पीनट बटर के, घर का हो तो, और बाहर का मैं एक भी नहीं खा सकता। लो जी, बन गया पीनट बटर 2 किलो का, बहुत ईजी स्टेप्स से। रो पीनट लेनी है, फिर उसे कढ़ाई में रोस्ट करना है, फिर उसे मिक्सी में 2 से 3 मिनट पहले जो उसका होती है स्पीड उस पर रखना है, तो आपका पीनट बटर ग्राइंड होएगा। उसमें सरसों का तेल डालना है या आप कोई भी बटर मेल्ट करके डाल सकते हैं और आपका पीनट बटर हो जाएगा तैयार। और ये मैं करूँगा स्टोर, अपना रख लूँगा इसको फ्रिज में और आराम से निकल जाएगा 15-20 दिन तो। और थैंक यू देखने वाले हो।